हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले होता है मृदा जल, उसके बाद मूल रोम, उसके बाद कार्टेक्स जो कोशिकाएं हैं, उसके बाद जाइलम। मृदा जल, उसके बाद मूल रोम, उसके बाद कार्टेक्स कोशिकाएं, उसके बाद जाइलम। जाइलम द्वारा पौधे में क्या होता है, जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पौधे के विकास के लिए कहेगा कितने तत्व की आवश्यकता होती है, तो 16 तत्व की। दो नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य कहेगा तो ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। इसका खोज किए थे मिलर कब, तो 1955 में। और ऑक्सिन हार्मोन के खोज किए थे डार्विन ने 1880 में, और ये वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है। आगे देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र हो जाएगा KOH, और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कहेगा तो NaOH होता है। बुझा हुआ चूना कहेगा सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर हो जाएगा, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। रक्त प्लाज्मा क्या है, तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन क्या है, तो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है एल्बुमिन। और ग्लोबिन का कार्य क्या है, ग्लोबुलिन के कार्य हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा करना। वही फाइब्रिनोजन क्या है, तो फाइब्रिनोजन रक्त के स्कंदन में मदद करता है, और ये क्या है, तो ये एक प्रोटीन है। और रक्त के स्कंदन में कहेगा कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा जो है ये रक्त का 55% होता है, और प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होता है। आगे देखेंगे, पाँच नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोती के मुख्य अवयव क्या है। तो मोती के मुख्य अवयव हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। अमोनियम क्लोराइड का अन्य नाम क्या है या रासायनिक नाम कहेगा, तो नौसादर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl ये अमोनिया क्लोराइड का सूत्र है, जिसे रासायनिक भाषा में नौसादर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। छः नंबर हो जाएगा, भारहीनता से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो उसे भारहीनता कहते हैं। जी का मान जो अधिकतम कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पे होता है, और कम होता है विषुवत रेखा पर, और जीरो होगा केंद्र पर। आगे देखेंगे, सात नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये प्राणी है केचुआ, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। मत्स्य में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 2 होता है, मेढक में हो जाएगा 3, और मानव में कितना होता है, तो 46। डाउन सिंड्रोम होने के बाद मानव में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 47 होता है, और टर्नर सिंड्रोम होने के बाद क्या हो जाता है, तो घट जाता है, 45 हो जाता है। केंचुआ जो है किस संघ के प्राणी है, तो यह है एनेलिडा संघ के प्राणी है। बरिमंडल में गैसों का संयोजन क्या है, तो बरिमंडल में गैसों का संयोजन हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन। वायुमंडल में हीलियम की मात्रा कहेगा तो 0.0005% होता है। आगे देखेंगे, नौ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ताम्रे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है। तो ये हो जाएगा अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। ताम्रे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है, तो अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। तांबा का उत्पादन भारत में राजस्थान के खेतड़ी में होता है, और तांबा का कहाँ से प्राप्त होता है, तो परत और दरार से। तांबा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो तड़ित चालक बनाने में तांबा का प्रयोग होता है। तांबा के शत्रु कहेगा तो ये हो जाएगा गंधक। आगे देखेंगे, दस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
अंतरिम सरकार जो कि जिसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाग के सही क्रम के मिलान करना है। सरदार पटेल क्या थे अंतरिम सरकार में कहेगा, सरदार पटेल क्या थे तो गृह विभाग के ये अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद कहेगा तो खाद्य कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम कहेगा तो श्रम विभाग के मंत्री थे। और ये लियाकत अली हो जाएंगे वित्त विभाग के अध्यक्ष थे लियाकत अली। ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और पाकिस्तान शब्द देने वाले पहला व्यक्ति कहेगा तो रहमत अली हो जाएंगे। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और इन्हें भारत का एकीकरण का पिता भी कहा जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अनुच्छेद ए जो ऑप्शन ए है ये गलत है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है जो कि 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा मिलता है। जब संविधान सभा लागू हुआ तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है और उसे मौलिक अधिकार से निकाल कर अवैधिक अधिकार बना दिया गया है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कहेगा तो 6 है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ये भी सही है। वही उच्च न्यायालय कहेगा तो 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ये भी सही है। संपत्ति के जो अधिकार है अवैधिक अधिकार है, अब इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, पहले 19 के एफ में रखा गया था। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो ये भाग हो जाएगा 9 के ख, सहकारी समितियों का उपबंध है भाग 9 के ख में। भाग 9 का संबंध कहेगा तो पंचायती राज से हो जाएगा, जिसमें विषय की संख्या 29 थी। और भाग 9 के क हो जाएगा नगर पालिका से, जिसमें विषय की संख्या कितनी थी तो 18। 13 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किया था, तो इसमें कंपनी के जो कमी था उसे दूर किया गया। 1833 एक्ट के तहत भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड बेंटिक बने थे 1833 एक्ट के तहत। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, उसमें कौन सा संशोधन होता है? तो दो तिहाई बहुमत से इसकी संशोधन किया जाता है सदन में, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए। और राष्ट्रपति के जो महाभियोग लगता है ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, जैसे कि जो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा, दोनों में से कोई भी। आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था चंपारण से, और चंपारण में नील विद्रोह भी हुआ था, कब? तो 1917 में। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त किए थे। और वैशाली में महावीर स्वामी के जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार के भागलपुर। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। और महात्मा गांधी को चंपारण में राजकुमार शुक्ल ही आमंत्रित किए थे। इनका गांव के नाम कहेगा तो मुरली भोरवा हो जाएगा। जो अखिल भारतीय किसान सभा के गठन हुआ था लखनऊ में 1936 में, उसका कहेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी साजानंद सरस्वती थे। आगे देखेंगे,
17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो ये नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में, और इनको क्या कहा जाता है? तो देश नायक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। बाकी जो तीनों हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन, ये तीनों संबंधित हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन 1934 में कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जन नायक कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर को। देश नायक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और एक आता है कि देश रत्न किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। 18 नंबर हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे मैकनोलॉर्डले। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 में, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 में, तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 में। 1857 के समय कहेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टोन थे। जब भारत में क्रिस मिशन आया था उसे कौन विदा किया था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी यानी कि कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो ये थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में, और चीन में गृह युद्ध हुआ था 1949 में। 20 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में, जो कि भारत आया था 1942 में। बाइबल योजना कब लाया गया था? 1944 में। कैबिनेट मिशन के गठन हुआ था 1946 में, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 तक। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध है यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था कब? 1839 से 42 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहेगा तो लॉर्ड एम हर्स्ट के समय हुआ था 1824 से 26 तक। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में। 22 नंबर हो जाएगा, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह ने नौजवान सभा के गठन किए थे 1926 में। जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक के नाम हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। फिरी जो हिंदुस्तान पत्रिका है इसका प्रचलन यानी कि संपादक कौन थे? तो तारकनाथ दास। कहाँ पे? तो अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 23 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो ये दरबार था इलाहाबाद दरबार में 1858 में। और कहेगा कि दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। और ये क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा था? तो ये इलाहाबाद दरबार में 1858 में। 24 नंबर है, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, वहाँ से शिवाजी ने किस तारीख को भाग निकले? तो 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। शिवाजी को अंग्रेज कैद किया था 16 मई 1666 में, कहाँ पे? तो जयपुर भवन में, और वहाँ से वो भागे थे 16 अगस्त 1666 में। शिवाजी को कहेगा कि राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। और शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर में 1627 ईस्वी में, और शिवाजी की मृत्यु हुआ था 1680 ईस्वी में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा,
1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसल्ला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो इस कहेगा कि इसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कब की थी, तो 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में किए थे। जजिया कर अकबर कब समाप्त किया था, तो 1564 में। अकबर ने मगहर की घोषणा कब किया था, तो 1579 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो एलोरा के प्रसिद्ध जो गुफा मंदिर है इसका निर्माण करवाए थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। कौन था, कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, राजधानी कहेगा तो मान्यखेत। जो खजुराहो के मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण करवाए थे चंदेल शासक। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे। और नटराज मंदिर का स्थापना किसने किया था, तो चोल शासक। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे, राजधानी तंजौर। और वही महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किए थे पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे, राजधानी कांचीपुरम। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो ये पुस्तक हो जाएगा माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में। बृहद संहिता या सूर्य सिद्धांत दोनों अलग अलग पुस्तक है, और इनके लेखक हो जाएंगे बरामिहिर। बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक बरामिहिर हो जाएंगे। ये भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपद के उल्लेख बौद्ध धर्म में कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। एक आता है कल्पसूत्र के लेखक कहेगा तो भद्रबाहु हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी ने। और शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाण। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाया था, तो गुप्त शासक। और छत्र प्रणाली के प्रयोग किसने किया था, तो शक ने। 29 नंबर हो जाएगा, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है, और पहली बार राजरोहण का उल्लेख किया गया था अथर्ववेद में। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को। गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और यजुर्वेद को गद एवं पद दोनों में लिखा गया था। आगे देखेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, तो इसमें कीमत घटने से मांग बढ़ती है ये सही है। मांग के नियम में कीमत घटने से मांग बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने से मांग घटती है, ये दोनों सही है। मांग का नियम के प्रतिपादक कहेगा कौन थे, तो अल्फ्रेड मार्शल। 31 नंबर हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी करता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों का गठन हुआ था 1944 में। किस सम्मेलन में, तो कहेगा तो ब्रेटन वुड सम्मेलन में। अंकटाड का गठन हुआ था 1964 में, मुख्यालय कहेगा तो जिनेवा हो जाएगा। और IMF विश्व बैंक के मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन कहाँ पे, तो DC। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है, तो फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया गया संबंध हो जाएगा B, मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध होता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच जो संबंध होता है वो होता है विपरीत। 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें बताना है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कहेगा तो वांचू समिति हो जाएगा। अप्रत्यक्ष समिति से कहेगा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति, तो रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तट शुल्क, बिक्री शुल्क
और मनोरंजन शुल्क। इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि सीमा से उत्पाद करके तट पर बिक्री करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे तो मनोरंजन करेंगे। ये ट्रिक हो जाएगा कि सीमा से उत्पाद करके तट पे बिक्री करेंगे और बिक्री करने के बाद क्या करेंगे तो मनोरंजन करेंगे। ये सब शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा विदयन पठार। विदयन जो चट्टान है इससे बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है विदयन चट्टान से। धारवाड़ का पठार या चट्टान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। और कुटप्पा कहेगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गोंडवाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। 35 नंबर हो जाएगा, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता के अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। भारत में अधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1988 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1980 में। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? एग्जिम या एग्जामिन बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में। 37 नंबर हो जाएगा, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी या नीली पहाड़ी कहेगा तो मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश के पुराना नाम क्या है? तो नेफा। असम की जो राजधानी शिलोंग से दिसपुर कब की गई थी? तो 1972 में। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हो जाएगा। गुजरात राज्य के जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है। गुजरात राज्य के समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है और सबसे छोटा कहेगा तो गोवा का है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं और भारत के कहेगा 10 राज्य जो कि हिमालय तट से लगे हुए हैं। हिमालय तट से 10 और समुद्री तट से 9। भारत का जो औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। आगे देखेंगे, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बेतवा नदी पे। और नागार्जुन बांध कहेगा तो कृष्णा नदी पे है। पोचम पाद बांध कहेगा तो गोदावरी नदी पे। और मेटूर बांध कहेगा तो कावेरी नदी पे। 40 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। और लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा कावारत्ती, मलयालम यहाँ की भाषा हो जाएगा। सबसे कम कहेगा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली का। वर्तमान में दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया है। जो 2011 की जनगणना था वो स्वतंत्र भारत के कहेगा तो 7वीं थी और शुरुआत से लीजिए क्रम से तो 15वीं थी। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ और नियमित जो कि जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुआ था। 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्र मौली। और जनगणना के महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 को कहा जाता है। आगे देख लेंगे 41 नंबर है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र। थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। कहाँ पे? तो पंजाब। बनास नदी कहाँ बहती है? तो राजस्थान में। पेरियार नदी पे इडुकी परियोजना है किस राज्य में? तो केरल राज्य में। थीन बांध स्थित है रावी नदी पे, राज्य हो जाएगा पंजाब। और वो जायकवाड़ी बांध स्थित है गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र। इडुकी परियोजना केरल में है और पेरियार नदी पे। 42 नंबर हो जाएगा,
मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल से होता है? तो मैंग्रोव वन का जो विकास होता है खारे जल और मीठे जल दोनों से होता है, और सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और ये लवण सहनशील होता है। जो मैंग्रोव वन होता है ये क्या होता है? तो लवण सहनशील होते हैं। 43 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, और ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पों का, और ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है अस्थि का, एग्रोस्टोलॉजी में फसल का किया जाता है। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में पाया जाता है तो हो जाएगा आर्गन, कितना? तो 0.93%। और जो जीनॉन अक्रिय गैस है इसे अस्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, और ये सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा। और तत्व कहेगा सबसे अधिक कौन बनाता है यौगिक? तो कार्बन हो जाएगा। क्रिप्टन का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। मैग्नीशियम का प्रयोग क्लोरोफिल में होता है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया कर लेता है। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। 46 हो जाएगा, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आता है? तो ये आता है ट्रांस हिमालय में। काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आता है? तो ट्रांस हिमालय में। और वही शिवालिक या बाह हिमालय को, ये हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं शिवालिक को, और ये हिमालय का नया भाग भी है। 47 नंबर हो जाएगा, वायु परागण समानतः देखा जाता है? तो वायु परागण समानतः देखा जाता है घास में। आगे देख लेंगे 48 नंबर है, बोरी बिल्ली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बोरी बिल्ली जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह स्थित है महाराष्ट्र में, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहेगा तो कर्नाटक में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा राज्य में स्थित है। 49 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा लंदन। गठन हुआ था 1958 में। ओपेक के गठन हुआ था 1960 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगा। WTO वर्ल्ड कहेगा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन कब हुआ था? तो 1995 में। मुख्यालय कहेगा तो जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा। इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, और गठन हुआ था 1995 में। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के गठन हुआ था 1975 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन के मैड्रिड में है, स्पेन के मैड्रिड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन 1995 में हुआ, मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के गठन 1975 में हुआ, और मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो फेडरल जो असेंबली है ये स्विट्जरलैंड के संसद का नाम हो जाएगा। मिस्र के संसद के नाम कहेगा तो पीपुल्स असेंबली हो जाएगा, मिस्र के संसद के नाम पीपुल्स असेंबली। और तुर्की के संसद के नाम हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की के हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। फ्रांस के कहेगा तो नेशनल असेंबली होता है। अब से देखते हैं, फेडरल असेंबली हो जाएगा स्विट्जरलैंड का, और पीपुल्स असेंबली हो जाएगा मिस्र का, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहेगा तो तुर्की के, और केवल नेशनल असेंबली कहेगा तो फ्रांस के। ये 50 क्वेश्चन कुछ वन लाइन ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं। आगे देखेंगे विभिन्न पदार्थ के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र देख लेते हैं। पदार्थ में हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O। कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH।
चिली साल्टपीटर का सूत्र, चिली साल्टपीटर का हो जाएगा रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट, सूत्र हो जाएगा NaNO3। नाइटर का होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा CaCaOCl2 भी कह सकते हैं, या Ca कोष्ठबंध OCl और Cl। और इसको Ca याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि CaOCl2। आगे देखेंगे जिप्सम का कहेगा रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, सूत्र CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका सूत्र हो जाएगा 2CaSO4 और H2O। संगमरमर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र CaCO3। नौसागर का होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कशिश का होता है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक के कहेगा तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।